नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, खराब से खराब संबंध, बुरे से बुरा संबंध सुधर जाएगा इस उपाय से। एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर उपाय आज हम आपको बताएंगे, जिसे आप कर लें। जो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करता, जिसने आपका नंबर ब्लॉक भी किया हुआ है, कितनी भी दरार आपके संबंध में हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई मित्र हो, किसी के बीच भी अगर इस प्रकार के कोई रिश्ता या संबंध चल रहा है जो बिगड़ रहा है, तुरंत सुधरेगा इस उपाय से। 1 से 2 दिन के भीतर ही वो आपसे खुद संपर्क करेगा, जी नहीं सकेगा आपके बिना। जैसे ही यहाँ ये उपाय करेंगे, वहाँ उसके ऊपर इसका ऐसा प्रभाव, ऐसा असर होगा कि वो बेचैन हो जाएगा, तड़प उठेगा आपके लिए। मित्रों, ये बहुत ही सरल सा इलायची के 4 दानों से होने वाला उपाय है। आपने 4 हरी इलायची ले लेनी है। उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उपाय शुरू करने से पहले आप अपने हाथ मुंह पैर एक बार अच्छे से अवश्य धो लें। यदि आपने स्नान किया हुआ है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, एक आसन कपड़ा, लकड़ी की चौक आदि कुछ भी बिछा लें और बैठ जाएं एक स्थान पर। जब आप बैठेंगे, अपनी बैठने की दिशा आप पूर्व की रखेंगे, यानी ईस्ट की ओर मुख करके आपने बैठना है। जैसा कि बताया, 4 इलायची के दाने आपने ले लेने हैं और 1 ले लेना है आपने कागज, सफ़ेद कागज, साफ सुथरा कागज ले लें, कहीं से कटा फटा ना हो। उस कागज पर आपने लाल रंग के स्केच पेन, मार्कर, कोई पेन हो किसी से भी, ऊपर उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप उसे कर रहे हैं, उसका मुख्य नाम, प्रमुख नाम लिख देना है और उसके आगे संख्या लिख देनी है 1। नीचे आपने अपना नाम लिख देना है और संख्या लिख देनी है 1, यानी 1 नंबर दोनों के पीछे आपने लिख देना है साथ में। इतना करने के बाद उस कागज को आप आंखें बंद करके दोनों आँखों की पलकों पर छुला लें। उसके बाद आपने जो 4 दाने इलायची के लिए हैं, उन सभी दानों को अपने उल्टे हाथ पर उठा लें और कागज को सीधे हाथ पर पकड़ लें। उल्टे हाथ पर जो दाने होंगे वो मुट्ठी के अंदर बंद होंगे और जो कागज होगा वो आपके सीधे हाथ पर आपने पकड़ना है, केवल यानी अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली से पकड़ लेना है। इसके बाद आप आंखें बंद करके उस व्यक्ति को जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे सोचें, उसे विचारें। जब ठीक प्रकार से आप उसे ध्यान कर लें, आपने एक सरल से मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र आपने 11 बार बोलना है। ओम श्रीं ऐं वश्ये अमुक वश्ये स्वाहा। बड़ा ही सरल मंत्र है, इसे आप बोलेंगे। अमुक जहाँ पर दिया गया है, आपने पहले उस व्यक्ति का और फिर अपना नाम, दोनों का नाम ले लेना है। जब आप मंत्र को 11 बार उच्चारित कर लेंगे, बोल लेंगे, तब आपने सभी 4 दानों को जो कागज है उस पर रख देना है। कागज की आप पुड़िया बना लें, चपटा बना लें उसे, और उसके बाद उसे अपने पास घर में रात को सोते समय तकिए के नीचे रख लें। दिन भर आप उसे अपने पास रखें, अगर आपने रात को उपाय किया है, शाम को उपाय किया है तो भी, और सोते समय उसे अपने तकिए के नीचे रख लें, या सिरहाने पर कहीं भी रख सकते हैं, आपके सर के नीचे होना चाहिए। ये आपने उपाय किया। इतना आप करें, अगली सुबह आपने इस पुड़िया को, जब भी आप स्नान कर लें, आपने घर से बाहर जाकर, या तो आपके घर के पास कोई पीपल का वृक्ष हो उसकी जड़ पर छोड़ देना है, अगर ऐसा ना हो तो किसी भी ऐसे स्थान पर इसे रख दें जिस स्थान का कद आपसे ऊंचा हो, अपने घर के अलावा। ये आप उपाय मित्रों कर लें और देखें किस प्रकार से वो व्यक्ति 1 से 2 दिन के भीतर ही आपसे संपर्क साधेगा और आपसे किसी ना किसी जरिए से बात करेगा और खुद आएगा आपको मनाने। आशा करते हैं मित्रों, उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही एक और खूबसूरत से उपाय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।